यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वॉइस इज क्लियर, राइट? आवाज क्लियर है और वीडियो भी क्लियर है, होपफुली. सो वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद. आज हम लोग करेंगे डेली करंट अफेयर्स. आज का डेट है 25 अगस्त, और फर्स्ट जो 20 क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 20, ये है आपका कल की करंट अफेयर्स पे बेस्ड. दिस इज हार्ड कोर करंट अफेयर. और क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन सकते हैं, आप किसी चीज़ को सपना देख सकते हैं, एक ऑफिसर बनने का सपना देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना देख सकते हैं, तो आप उसको अचीव भी कर सकते हैं. यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट. मेहनत करिए और एक अच्छा सा रूटीन बना लीजिए आप लोग, जॉब ले लेंगे तो आपका दिन प्लान रहेगा ना, कि सुबह उठे फिर ऑफिस गए, ऑफिस में ये. सो क्यों नहीं आप उस चीज़ में फिर करंट अफेयर्स देख लेना है, फिर दिन में रीजनिंग बनाना है, फिर से एक बार जीके जीएस रिवाइज कर लेना है, और फिर मैथ्स बना लेना है, और फिर सो जाओ. हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कि पूछ रहे हैं कि इन विच स्टेट इंडियाज हाइएस्ट हर्बल प्लांट हैज बीन. नीर मोहम्मद और पवन वर्मा, शिवम शर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग. सो बताएं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे हाईएस्ट हर्बल पार्क आया है. ठीक है, स्टेट इज उत्तराखंड. यहाँ पे हाईएस्ट एल्टीट्यूड हर्बल पार्क आया है, जो कि 11,000 फीट है. और आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट कितना है, 29,000 फीट है. ठीक है, 29,000 फीट है. ये कहाँ पे है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में, माना विलेज, जिसका नाम है इंडिया चाइना के बॉर्डर पे है. ठीक है, और द रिसर्च विंग ऑफ उत्तराखंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट हैज डेवलप द पार्क ओवर 3 acres, 3 acre तक इसका एरिया है ऑफ द लैंड बाय मान वन पंचायत. हाँ जी बिल्कुल, उत्तराखंड है. ठीक है, और ये कैंपा करता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स कंपनसेटरी फॉरेस्ट फंड. अच्छा, कैंपा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. जैसे कि मान लो कि यहाँ पे ना फॉरेस्ट है, ठीक है, ये फॉरेस्ट का एरिया है, और मैं एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कुछ इस टाइप का कोई आता है यहाँ पे, और वो यहाँ पे बोलता है कि मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा या कोई भी होटल खोलूंगा, तो ये पेड़ तो काटना पड़ेगा. तो उसको बोला जाएगा नहीं, पहले आप उसी एरिया का एक अलग जगह डेवलप कीजिए जहाँ पे आपने ऑलरेडी पेड़ लगा दिया है, और फिर उसको डेवलप करेंगे तो हम लोग आपको ये वाला एरिया देंगे. पहले ये था, लेकिन अब कैंपा क्या करता है, बोलता है कि पहले ही से वो लोग पेड़, क्योंकि ये पेड़ तो बड़ा होने में टाइम लगेगा ना, तो ज़रूरी तो नहीं है कि फॉरेस्ट बन जाए, तो कैंपा आप छोटा छोटा पेड़ पहले ही से लगा के रखता है. और जब भी फैक्ट्री वाले बोलते हैं कि मुझे ये एरिया चाहिए, तो बोलता है पहले आप वो एरिया खरीद के हम लोग को दीजिए, उतना पैसा दीजिए तो हम लोग आपको ये एरिया देंगे. समझ में आ रहा है? तो कैंपा कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, यानी कि अगर आपने कोई पेड़ काटा है तो उसकी जगह दूसरी जगह पेड़ लगाइए, यही बोल रहा है. और यहाँ पे 40 स्पीशीज हैं, अराउंड 40 स्पीशीज, जो कि अल्पाइन एरिया में मिलता है. अल्पाइन एरिया क्या है, जब आप पहाड़ पे एकदम ऊपर चढ़ जाइएगा तो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा रहेगा, या फिर वर्ल्ड में भी जब तुंद्रा एरिया रहता है, अल्पाइन एरिया जहाँ की फॉरेस्ट का जो ट्री रहता है उसमें पत्ता की जगह कांटा रहे, ठीक है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज नहीं रहे, और रहे तो छोटे छोटे फर वाले रहे, जैसे आर्टिक फॉक्स ये सब. ठीक है, अब बताएं कि रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह का निधन हुआ है. ये तो आप लोग सुने ही होंगे, कल्याण सिंह का निधन हुआ था, तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ये क्वेश्चन है. कल्याण सिंह जिनका हुआ पास जब है रिसेंटली, तो ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर. एंड गाइज प्लीज लाइक द सेशन, सेशन को लाइक कर दो, और कमेंट सेक्शन में थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए. जैसे सिर्फ शिवम शर्मा बताए थे उत्तराखंड, और कृष्ण गोपाल बताए थे उत्तराखंड. ठीक है, यूपी के बता रहे हैं, तो यस, ये उत्तर प्रदेश के थे, कल्याण सिंह, जिनका निधन हो गया, 89 साल के थे, और ये पहली बार 1991 में बने थे चीफ मिनिस्टर, और यही थे उस समय जब बाबरी मस्जिद का कांड हुआ था, बाबरी मस्जिद डिमोलिश हुआ था ना, वही जो अयोध्या केस है, तो यही थे. और ये कब से थे, 1991 से लेके फिर 92 में ये हट गए, फिर 97 में बने और 99 तक रहे, तो ज़्यादा टाइम तक ये रहे नहीं. फर्स्ट टाइम ये ऑलमोस्ट 1.5 साल तक थे, और दूसरे टाइम ये ऑलमोस्ट 2 साल तक थे बस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ जी कल्याण सिंह यूपी के थे, बहुत सही आंसर आप लोगों का. अब
अब बताएगी इन विच सिटी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC has commissioned the largest floating solar project of 25 megawatt. कहाँ पे NTPC ने एक कमीशन किया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पीवी सोलर सॉरी सोलर पीवी प्रोजेक्ट 25 मेगावाट का. तो ये विशाखापट्टनम में किया है. विशाखापट्टनम में NTPC जो है उसने कमीशन किया है कि बहुत बड़ा सा लार्जेस्ट सबसे बड़ा हाँ अब आप लोगों का आंसर आ रहा है ठीक है सबसे बड़ा सोलर पीवी प्रोजेक्ट किया है 25 मेगावाट का और ये विशाखापट्टनम में है. शिमाद्री थर्मल स्टेशन इसका नाम है. सिमाद्री आंध्र प्रदेश में है ये और ये 75 acres तक है ठीक है 75 acres तक ये फैला हुआ है. हाँ जी 1 lakh PV सोलर मॉड्यूल. गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आप लोग क्लास पे आ जाइए 8 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाता है गाइस 8 AM. ओके विशाखापट्टनम आंसर आई एम गेटिंग. गुड मॉर्निंग श्रद्धा गुड मॉर्निंग. ममिता मुखिया जी वेरी गुड मॉर्निंग. तो अब बताएं कि इन विच डेट इन ऑगस्ट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे कॉमेमोरेटिंग द विक्टिम ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन ऑन बिलीफ. तो पूछ रहे हैं कि हम लोग जो हैं एक डे सेलिब्रेट करते हैं ऑगस्ट में जो कि है कि अगर कोई रिलीजियस बिलीफ के कारण उसको वायलेंस सहना पड़ा किसी भी तरह से मान लो होता है ना कि कोई मुस्लिम इस्लाम का प्रधान देश है तो वो माइनॉरिटी क्रिश्चियन ज्यूज हिंदू पे कुछ कुछ होते रहते हैं ये सब तो खैर पॉलिटिकल इश्यूज है लोग भी मोबिलाइज हो जाते हैं ऐसे किसी को क्या मतलब है लेकिन होता है. तो ये 22 अगस्त को है एक डे मनाया जाता है इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय एक दिवस मनाया जाता है जहाँ पे हम लोग उस विक्टिम्स को याद करते हैं जो कि वायलेंस के कारण और क्यों वायलेंस हो रहा है क्योंकि वो रिलीजियस बिलीव उनका अलग है. तो ये किस दिन मनाया जाएगा गाइस 22 अगस्त याद रखिएगा इसको प्लीज. और पहली बार ये 2019 में मनाया गया था ठीक. चलिए अब बताएं कि विच स्टेट. देखो आज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तो है आपका करंट अफेयर्स और 21 से लेके 40 है हाईली टेक्निकल क्वेश्चंस यानी कि डिफेंस से रिलेटेड इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल करंट अफेयर्स मुझे लगे कि इम्पॉर्टेंट है तो दैट आई हैव ब्रॉट. फिर आज हम लोग अफ्रीका का मैप डिस्कस करेंगे उस दिन अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा पॉलिटिकल जाने थे और उसके बाद अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे ठीक है. तो दिस इज द एजेंडा ऑफ द क्लास. विच स्टेट्स 7 इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट हैव बीन लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड जल शक्ति प्रहलाद पटेल सिंह जो है वो 7 ऐसे फूड प्रोडक्ट को अभी अभी उन्होंने लॉन्च किया है इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट्स. मणिपुर आ रहा है आंसर तो आंसर मणिपुर है. हाँ जी बिल्कुल मणिपुर आंसर है. तो इन्होंने ये किया है और ये कौन कौन सा प्रोडक्ट है. ब्लैक राइस तो आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा पुतला सा मतलब खाओ ना मार घात समझते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा पानी चिपचिपा टाइप का रहता है. लड्डू ब्लैक राइस फ्रूट एंड नट कुकीज हॉट एंड स्पाइसी भुजिया एंड पफ्ड राइस जिसको काबो कहते हैं. नहीं क्लास तो 1 hour की ही है ठीक है देखते हैं अगर बढ़ गया तो बढ़ गया. कसावा बर्फी कसावा एक फ्रूट होता है कसावा बर्फी बैंकू शूट मुड़ब्बा ठीक है बैंकू से वो लोग बनाते हैं मुड़ब्बा समझते हैं आप लोग. एक क्रिस्टलाइन टाइप का रहता है ये थोड़ा ट्रांसल्यूकेंट टाइप का एक मिठाई रहता है समझते हो गए. और फिर फीग लड्डू फीग तो आपको पता है ना फीग इज अ फ्रूट उसका ये लोग लड्डू बनाएंगे. तो ये 7 प्रोडक्ट जो है इंडिजीनियस फूड प्रोडक्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज करने के लिए जो हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है प्रहलाद सिंह पटेल उन्होंने मणिपुर में इसको अभी अभी किया है इनॉग्रेट लॉन्च समझ गए. अब बताएं कि अशोक लवासा जो है वो हट गए हैं वो न्यू इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट से हट गए हैं. तो देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर आई एम नॉट आस्किंग आई एम आस्किंग न्यू इलेक्शन कमिश्नर. तो ये बताएं कि कौन है न्यू इलेक्शन कमिश्नर. हरी अब टेल मी हु इज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर. वेट
ठीक है बच्चे, आंसर दे रहे हैं, आई एम गेटिंग द आंसर्स। पॉइंट इज नॉट स्ट्रीम वॉयर, वेट 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 वन सेकेंड। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आंसर आपके सामने है, वो है राजीव कुमार। ठीक, राजीव कुमार जो है वो 21 अगस्त 2020 को अपॉइंटेड एज न्यू इलेक्शन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट, 20 में ही हो गए। ठीक है, और ये अशोक लवासा को हटके अब राजीव कुमार बन गए। चलिए, इसको एक बार रिवाइज करना जरूरी था क्योंकि अभी भी ये इस पोस्ट पे हैं, जो नए नए लोग हैं, जो नए पोस्ट पे हैं, उसको रिवाइज करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, विच स्टेट हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रमोट बायोफ्लोप फिश। अब बताएं कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने लॉन्च अ न्यू स्कीम टू प्रमोट बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। ये उड़ीसा है, इसने एक नया स्कीम बनाया है कि ये प्रमोट करे इंटेंसिव एक्वाकल्चर थ्रू बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इन फिशरीज। ठीक है, बायोफ्लॉक क्या है? ये बेस्ड ऑन फार्मिंग सिस्टम इज एन एडवांस फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी। अभी एक नया तरह से फिश इसको पकड़ेगा मछली, विच हैज बीन सपोर्टेड इन द स्टेट टू प्रोवाइड लाइवलीहुड सपोर्ट टू यंगर एंटरप्राइज एंड इंटरेस्ट प्रोग्रेसिव फिश फार्मिंग। तो नए तरीके से ये करेंगे बायो, मतलब कि इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बायोफ्लॉक, ताकि एक और चीज़ हो सके कि मतलब गलती से टर्टल वगैरह पकड़ा जाते हैं तो वो चीज़ ना हो, और आराम से ये इसको कैरी आउट कर सके। हाँ जी बिल्कुल। अब बताएं कि विच नेशंस स्टेट ऑयल कंपनी हैज सस्पेंडेड इट्स यूएस डॉलर 10 बिलियन वर्थ चाइना ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट। कौन सा ऐसा स्टेट है, कौन सा ऐसा कंट्री है, नेशन स्टेट समझ रहे ना, जिसने कहा है कि भाई हम लोग जो है 10 मिलियन US डॉलर का जो वर्थ चाइना ऑयल रिफाइनरी था उसको सस्पेंड कर रहे हैं, हटा रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया बोला कि हम लोग जो एक बना रहे थे US डॉलर ऑफ 10 मिलियन टू बिल्ड अ रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन चाइना, चाइना में बनाया जा रहा था। तो ये डील, दिस डील वाज साइंड बाय सऊदी क्राउन प्रिंस कौन है, मोहम्मद बिन सलमान, वाज इन बीजिंग। तो अब इसको हम लोग इसको सस्पेंड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं इसको। ठीक, तो इनका मन बंद कर दिया रहा है, राजा आदमी बंद कर दिया। आपका फर्स्ट क्लास है, डेली 8 AM शुरू हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, डेली 8 AM शुरू हो जाएगा, और आपके जो भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स है, डिफेंस एग्जाम्स है, उसमें सारे क्वेश्चंस, जितने भी इम्पोर्टेंट एक्सरसाइजेस और स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, आज का क्वेश्चन नंबर 21 से 40 देखना, तो लोगों को थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि वो टेक्निकल करंट अफेयर्स है, लेकिन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस तरह के क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे किया है। आई डोंट नो यार वॉट इज़ द इशू ओवर देयर टेक्निकल, सुदीप जी, even I'm trying to connect with them, but I'm not getting. Yes, I'm trying to connect with them, but I'm not getting what is the issue. Hanji, ab bataye ki which state chief minister has urged the center to reopen Delhi metro in a phased manner. ये बोल रहे हैं कि भाई अब दिल्ली मेट्रो इतना अचानक से मत शुरू कीजिए, आराम आराम से शुरू कीजिए, सब कोरोना वायरस हो जाएगा। तो दिल्ली के बोले हैं, दिल्ली चीफ मिनिस्टर केजरीवाल बोल रहे हैं सेंटर को कि ये जो दिल्ली ओपन, दिल्ली मेट्रो का री ओपनिंग है, उसको फेज मैनर में शुरू कीजिए, एक बैच शुरू कर दीजिए, सब कोई फिर फंस जाएगा। अब बताएं कि विच नेशन हैज डिस्कवर्ड द बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस रिजर्व इन ब्लैक सी। तो ये जो स्टेट है वो है टर्की। तो टर्की के प्रेसिडेंट का नाम आपको पता है, रिसेप तैयब एर्डोगन, तो ये बहुत बड़ा है। ठीक है, एर्डोगन, एर्डोगन
जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है ये आ सकते हैं आप लोगों के लिए गाइस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि टर्की के प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि बहुत न्यूज बना रहे हैं एर्डोगन। हम लोग के लिए भी कुछ खास, इंडिया के लिए टर्की अच्छा है नहीं है। अस्ताना कैपिटल है इस्तानबुल, सबसे बड़ा सिटी है इस्तानबुल जो कि एशिया में ही पड़ता है। टर्की एक ऐसा कंट्री है जो कि कुछ पार्ट उसका एशिया में भी है बल्कि बाकी वो यूरोप में है। तो इसने नेचुरल गैस खोजा है जो कि 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एरिया है इसका, और ये बिगेस्ट एवर नेचुरल गैस है। कहाँ पर खोजा है? ब्लैक सी में खोजा है, ठीक है। और क्या बताए, द अनाउंसमेंट हुआ था एट इस्तानबुल डॉम्ब्लाशे पैलेस। अब बताइए कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च इंडिया लॉन्गेस्ट रोप वे ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर। इट वॉज इन न्यूज, यस। इट एवरीथिंग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक एकदम हार्ड कोर करंट अफेयर्स, 21 से लेके 40 तक यू आर हैविंग टेक्निकल। आज एक मैप डिस्कस करना है, आज अफ्रीका का मैप डिस्कस करेंगे और ऑगस्ट का सारा तारीख 6, ठीक है। आवाज वगैरह क्लियर है ना? तो ये है असम, असम का है ये 2020 का है ये क्वेश्चन, ठीक है, 2020 का ये क्वेश्चन है। और क्योंकि ये लॉन्गेस्ट रूप पे आपके एग्जाम में आ सकता है, अभी बहुत सारा एग्जाम आने वाला है एफकैट वगैरह का, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि भाई इंडिया से लॉन्गेस्ट रोप वे कहाँ है, तो ये गुवाहाटी में इसको बनाया गया, ठीक। हाँ जी, आप बताएं कि विच स्टेट हैज स्टार्टेड रजिस्ट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर का रजिस्ट्रेशन कौन सा स्टेट कर रहा है? हरियाणा। तो ये दिल्ली है, दिल्ली जो है ये भी पिछले वाला न्यूज है, तो ये भी न्यूज में था। तो दिल्ली का जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये क्योंकि कोरोना से रिलेटेड न्यूज है तो मुझे लगा कि ये आ सकता है इस बार। तो ये यहाँ के एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग भाई रजिस्ट्रेशन कर लेंगे सारे मजदूरों का। अब बताएं महात्मा गांधी इज आइकनिक। हाँ जी बिल्कुल दिल्ली। अब बताएं कि महात्मा गांधी इज आइकनिक राउंड शेप स्पेक्टेकल वॉज सोल्ड फॉर हाउ मच अमाउंट एट, ये उत्तराखंड नहीं है, यूनाइटेड किंगडम ऑक्शन है, ठीक है। तो ये जो है यूनाइटेड किंगडम में रुपीज 2.55 करोड़ में बिका है, ये ऑप्शन हुआ है। ये भी पिछले साल का ही न्यूज है पर इसको करना जरूरी था। मुझे लगता है ये पूछ सकते हैं कि वो ऑप्शन कहाँ हुआ था, तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ। हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताए हु हैज रिटन अ बायोग्राफी ऑन द लाइफ जर्नी ऑफ कपिल शर्मा। कपिल शर्मा पे एक बायोग्राफी लिखा गया है। कपिल शर्मा आप लोगों को पता है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, आई एम आल्सो अ फैन, गुड थी। यह अजिताभ बोस, इनका नाम है अजिताभ बोस, ठीक है। ऐसा अमिताभ के भाई का नाम भी अजिताभ है पर ये वो नहीं है, इनका नाम है अजिताभ बोस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट टू एडिशनल क्रीवक आप लोग राज्यसभा टीवी देखा करें न्यूज के लिए, आई ऑल्सो सी दिस रेगुलरली। ठीक है ठीक है। रोहिंतन मिस्त्री जो है वो अमेरिका डायस्पोरा बेस्ड रीडर है। ओके, तो ये जो है रशिया है, नाम से समझ लो ना, क्रीवक क्लास लीड फ्रिजेट जो है ये डिलीवर होगा मिडिल ऑफ 2023 में रशिया से। हाँ नाम से पता चल रहा है क्रीवक है। अब बताए कि विच ऑफ द फॉलोइंग शिप ऑफ इंडियन नेवी कैरिड आउट अ मेरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज विद BRP एंटोनियो लूना ऑफ द फिलीपींस नेवी इन ऑगस्ट 2021 इन द वेस्ट फिलीपींस सी। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा विच, ये मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया है वैसे, हाँ बिल्कुल रशियन लैंग्वेज में। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शिप, पूछ रहे हैं कि कौन सा INS है
जिसने मेरी टाइम पार्टनरशिप किया है विथ BRP एंटोनियो लूना. मैंने ये क्वेश्चन उसे मैं उल्टा से लगाया था कि कौन से कंट्री से किया है, जो कि कहाँ गए, जो कि फिलिपिन का ये INS है एंटोनियो लूना, BRP एंटोनियो लूना. और ये कहाँ पे हुआ, अगस्त 2021 में हुआ है, वेस्ट फिलिपिन सी में हुआ है. तो हमारा कौन सा INS है गाइज, उनका तो एंटोनियो लूना, हमारा है रणविजय तो है ही, कोड़ा भी है, कल बहुत बड़ा होता है मैंने ये है ना, रणविजय के साथ साथ कोड़ा को भी रखना, रणविजय एंड कोड़ा हमारा है और उनका है BRP एंटोनियो लूना जो कि फिलीपींस में हो रहा है. अब बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट नेशनल एजुकेशन फ्रॉम 2022 से 2023, ये बताएं कि कौन सा है, विच यूनिवर्सिटी गाइज. जी तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसने नेशनल एजुकेशन, अच्छा नेशनल एजुकेशन के बारे में मैं एक दो मिनट में बता दे रही हूँ. 5+3+3+4 बोल रहे हैं. पहले हमारा क्या था, हम लोग कैसे पास किए, आप लोग भी वैसे ही पास किए होंगे, 10+2 टेंथ का एग्जाम दिए, बोर्ड दिए, मैट्रिक का एग्जाम दिए, बोर्ड के बाद जबरदस्ती बोला गया कि या तो PCM लो या तो PCB लो, चाहे आर्ट्स लो या कॉमर्स लो. हम लोग को आर्ट्स में बोला गया कि नहीं, आर्ट्स लेने से फायदा नहीं है, नौकरी नहीं लगेगा, कॉमर्स समझ में आ नहीं रहा था, बायोलॉजी में याद करने का शक्ति नहीं था. ज्यादातर लोगों ने PCM ले लिया, PCM करके इंजीनियरिंग कर लिए 4 साल का, उसके बाद तैयारी कर रहे हैं या नौकरी ढूंढ रहे हैं. सो दिस इज आर लाइफ जर्नी इन वन लाइन. खैर अब बोल रहे हैं फाइव मतलब प्री प्राइमरी, जैसे बच्चा हुआ तो उसको नर्सरी में डाला, फिर KG 1 होता है, अब क्या क्या होता है, KG 1 होता है, KG 2 होता है, उसके बाद Class 1 होता है, फिर Class 2 होता है, तो हो गया 5 साल, 5 साल उसका बच्चा ऐसे ही खराब हो गया, तो खैर ये 5 years है. फिर 3 है कि 3 में डाले, फिर 4 में डाले, फिर 5 में डाले, फिर 3 साल एक और, ये 5 हो गया समझ में आ गया, ये 3 समझ में आ गया, ये 3 क्या है कि 5 तो हो गया 6, 7, 8. अब 8 में इसको बोला जाएगा कि अपने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लो, क्या कि सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ो, वो सब्जेक्ट पढ़ो जो सब्जेक्ट तुमको आगे पढ़ना है. तो फिर और इसमें भी ऑप्शन है, ये नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ना है, तुम आर्ट से हिस्ट्री ले लो, मिक्स फिक्स नहीं है, मिक्स है, आर्ट से हिस्ट्री ले लो, फिर कहीं से मैथ्स उठा लो साइंस से, और यहाँ से मान लो कॉमर्स से अकाउंट्स उठा लिए. तो इस तरह से आप जो आपको सब्जेक्ट मन है वो पढ़िए, और फिर 9 ये बाकी 4 क्या है, 9, 10, 11, 12. हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, जून एंड सीनियर का KG हुआ, ठीक है, तो वही UG और KG जो भी है, तो वो सब 5 साल में, ठीक है समझ में आया. तो ये फिर 4 साल, उसके बाद तुम लोगों को ग्रेजुएशन करना है तो करो, वैसा कुछ है तो वो क्लियर है. चलिए बताइए कि हु इज इन लाइन टू बी द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 6 years, बताएं जल्दी, इसका बहुत एकदम मजेदार सवाल. हाँ पता नहीं, बोल रहे हैं कि आर्ट्स लेके भी आप IIT दे सकते हैं, ये सब भी है. खैर हमारे समय में तो ऐसा नहीं था, वरना फिर ज्योग्राफी लेके भी IIT दे देते. खैर मैंने फिजिक्स लिया था, माय सब्जेक्ट इज फिजिक्स. हेमा कोहली बता रहे हैं, देखिए बीवी इनका नाम है नागराथन, नागराथन, अब अंग्रेजी में नागराथन ना मत बोल देना, नागराथन इनका नाम है. तो जो कोलिजियम आता है, आपको पता है ना कि कोलिजियम है, फिर एक NJAC भी आया था लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, NJAC भी एक्ट आया था. तो कोलिजियम अभी चल रहा है जो कि NV रामना, ये तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही, तो ये बोले हिस्टोरिक डिसीजन लिए, हिस्टोरिक डिसीजन टू रिकमेंड 3 वुमेन अमंग 9, 9 में से 3 औरत है, 6 आदमी है, ठीक है 9 में से, फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चीफ एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. Among the three, one of them, Chief Justice B.V. Nagarathna could be the first women CJI, guys. B.V. Nagarathna. तो ये 2027 में हो सकता है ऐसा. याद करिएगा. I did. हिमा कोहली स्टेट की है. हिमा कोहली स्टेट की है.
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बात हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट इमामोली बनी है चीफ जस्टिस, लेकिन वो स्टेट की है, तो ये कोई बड़ा बात थोड़ी है, स्टेट में तो बनते रहते हैं। हाँ जी, हु इज द सुप्रीम तालिबान? यहाँ पे शिवानी साइनी, निधन सिंह, अभिषेक प्रजापति, सब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। गुजराती भोपो इनका नाम है, इंजीनियर संजय एंड टेक्निकल सुदीप। तुम लोग नाम भी रखते हो ना। बताए हु इज द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान सिंस 2016? देखो ये भी करंट अफेयर्स का न्यूज है। श्रद्धा बताइए, इनको बहुत इंटरेस्ट है ना। तो मौलवी हेमतुल्ला अखुंद ज्यादा इनका नाम है, अखुंद ज्यादा। तो ये है 2016 से अब इसके सुप्रीम लीडर है, क्या पता कौन क्या। आफ्टर ही प्रोसीडेड, ये किसके बाद आए हैं? ये आए हैं, he was appointed after his preceder. तो preceder जो इनके पहले थे, इनके पहले कौन से? मुल्ला मंसूर अख्तर, जो कि US ड्रोन में मारे गए, तो अब ये बन गए। अब ये भी याद करके रखना पड़ेगा कि हबीतुल्ला अखुंदज़ादा इनका नाम है। हाँ, हबीतुल्ला, यस। गाइस कोई भी कोर्स चाहिए, कोर्स ले लीजिए आप लोग, क्योंकि आपके पढ़ाई में हेल्प करेगा, आपको भी पता है। कोर्स के लिए आपको अड्डा के ऐप पे जाना है। अड्डा के ऐप पे कौन सा कोड यूज करना है सबको कमेंट सेक्शन में बताएं कि विच इज द कोड। द मैजिकल कोड इज Y332Y332। इसमें आपको मिलेगा 77% तक का डिस्काउंट। टेस्ट सीरीज में तो 82% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और एवरी सेशन आई टेल यू कि कोई भी तैयारी कर रहे हो ना, अभी एक साल बाकी है एग्जाम देने में, 2 साल बाकी है, अभी ग्रेजुएशन में है, तो भी आप एक टेस्ट सीरीज ले लीजिए। आदत डाल लो कि मुझे आदत है कि मैं इस समय बैठ के 10 से 12 टेस्ट बनाती ही हूँ। ये तो मेरा मतलब इट इज माय हैबिट। सो जब आप एग्जाम के हॉल में जाएंगे, जब आप एग्जाम देना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा यार दिस इज वेरी इजी थिंग, आई डू दिस एवरी डे, आई कैन ईजिली क्वालिफाई। अंडरस्टूड? आराम से मेरा निकल सकता है क्योंकि मुझे आदत है एग्जाम देने की। और अगर आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जो कि आपको लगता है कि आपको एक कोर्स ले लेना चाहिए, तो आप एक कोर्स ले लें जिसमें आपको 77% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और अड्डा के ऐप से अगर वो कोर्स लेते हैं आप, तो वहाँ पे आप कॉइन यूज कर सकते हैं, और कॉइन से आपका डिस्काउंट 78% तक का हो सकता है, बढ़ सकता है वो डिस्काउंट। तो Y332 इज द कोड एंड प्लीज टेक इट। एक बार ऐप इंस्टॉल कर लो और ऐप में जाके चेक कर लो कि तुम्हारी काम का क्या चीज है। समझ में आया एवरीवन? चलिए बढ़िया। अब बताए इस्माइल सबरी याकोब हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? हाँ जी, हिस्ट्री में पढ़ा दूंगी, हिस्ट्री पढ़ा दूंगी, ज्योग्राफी पढ़ा दूंगी, सब कुछ पढ़ा दूंगी। GK current affairs is my thing, you know. I have studied physics. See, school में I used to like chemistry and geography. लेकिन हमारे time वैसा था नहीं कि geography और chemistry साथ में ले लो, तो ले लिया मैंने physics और पढ़ा रही, फिर अच्छा लगने लगा, फिर से history और geography और current affairs, तो पढ़ा रही मैं history, geography, current affairs, सब कुछ कुछ। तो ये है मलेशिया के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो थे इस्माइल सबरी याकोब, ये बन गए न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया, जो कि इस दिन बने हैं। और मलेशिया के किंग का नाम क्या है? सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, ठीक है, सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह ये अपॉइंट किए हैं। वहाँ प्रेसिडेंट नहीं होता है, वही होता है मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस्माइल सबरी को एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा इस्माइल सबरी कहाँ के? मलेशिया के। अब बताओ राधा कृष्ण दामिनी ये एंटर किए हैं वर्ल्ड के 100 रिचेस्ट पीपल में, तो ये अभी न्यूज है ये। तो ये बताएं कि इनकी कंपनी का क्या नाम है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को अपने मन से बताना है। तो कंपनी का नाम है डी मार्ट इनका नाम है, और ये डी मार्ट जो है उसका चेन करते हैं रिटेल, मतलब होलसेलर वो टाइप का है, मॉल टाइप का है डी मार्ट। तो ये वर्ल्ड 100 रिचेस्ट में चले गए हैं, और बहुत हम्बल बैकग्राउंड से ये आए थे, नॉर्मल आदमी थे ये, जिंदगी जी रहे थे, कोई अमीर राजा बिरला टाटा टाइप नहीं थे, ठीक है, तो आप लोग भी बन सकते हैं। और इनका रैंक है 98 ऑन ब्लूमबर्ग
बिलियनेयर इंडेक्स, जिनका नेट वर्थ है $19.2 billion, ठीक, पैसा कमा लिया, आम आदमी हो के भी है। तो ऐसा नहीं है कि अमीर होने के लिए अंबानी का बेटा होना जरूरी है, और वो भी एक ही जनरेशन में पैसा कमा लिया। अंबानी वगैरह तो दो तीन जनरेशन के बाद अब आए हैं, ये देखिए सही है, दिमाग होना चाहिए। अब आता है आपका टेक्निकल राउंड का क्वेश्चन, तो सब बच्चे टेक्निकल राउंड के लिए एकदम शुरू हो जाए। हिंदी हिंदी फिर शुरू हिंदी हिंदी ही में तो क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए, इंडिया हैज फाइनलाइज अ डील, ये भी कल का ही न्यूज है, एकदम फ्रेश, अ डील विथ विच कंट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग AK-47-203 राइफल्स। तो ये किस कंट्री के साथ हम लोगों ने एक डील किया है कि हम लोग बनाएंगे AK-47-203 राइफल्स? तो ये रशिया के साथ है, रशिया के साथ हमारे डिफेंस मिनिस्टर का नाम है श्री राजनाथ सिंह जी, और ये मॉस्को गए थे, और इंडिया और रशिया जो फाइनलाइज किया कि भाई मिल के बनाएंगे AK-47-203 राइफल इन इंडिया, और दिस इज द न्यूज, ठीक है। चलिए, और ये किसको रिप्लेस करेगा? ये INSAS असॉल्ट राइफल्स को रिप्लेस कर देगा। यस, With what is the name of the naval exercise? कौन सा naval exercise है that is held between India and Russia? तो ये तो नाम से पता चल रहा है कि IND India, RA Russia, तो इंदिरा 11th edition है इसका, India और Russia का होगा। कहाँ हो रहा है गाइस? Bay of Bengal में हो रहा है, ठीक है, दो दिन के लिए हो रहा है, ये Bay of Bengal में हो रहा है। हाँ जी, अब बताएं, yes. The first batch of Rafale fighter jet are to be inducted into the which squadron of IAF? FCAT का एग्जाम है ना, इंडियन एयरफोर्स में जो किस स्क्वाड्रेंट में डाला जाएगा ये जो फर्स्ट बैच ऑफ Rafale फाइटर जेट है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सो ये है स्क्वाड्रेंट 17 गोल्डन एरोज में डाला जा रहा है, गोल्डन एरोज, ठीक है, तीर चलेगा गोल्डन रंग का, जो कि अंबाला एयरबेस में है। पहले तो ये कहाँ आया था? ये आया था आपका अंबाला एयरबेस हरियाणा में, और फिर बोला गया कि इसको गोल्डन एरोज में डालेंगे। और कहाँ से आया ये? फ्रांस से आया, फ्रेंच, और वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर का नाम है फ्लोरेंस पार्ले, ठीक। चलिए बढ़िया, अब बताएं कि इंडिया साइंड एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA, Acquisition and Cross Servicing Agreement, किस कंट्री के साथ इंडिया ने साइन किया है? इंडिया ने साइन किया है जापान के साथ, जापान के साथ, यस, इंडिया ने साइन किया जापान के साथ ACSA, जो कि इसका नाम क्या है? Acquisition and Cross Servicing Agreement। Recently, a key agreement for reciprocal provision for the supply services between the defense forces. तो ये इंडिया इसको देगा जापान को, जापान इसको देगा, ठीक है, ये reciprocate करेंगे, और इसका नाम यही है, it facilitates smooth provisions and supplies and services between Japan self defense। तो ये तो है, मतलब basically बात समझ लो कि आप लोग एक दूसरे को assist करेंगे, इंडिया और जापान। इसका नाम क्या है? ACSA, Acquisition and Cross Servicing Agreement। अब अंग्रेजी नाम समझ के मत सोचना कि USA का होगा, जापान का है। इंडिया हेल्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव DTTI, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव मीटिंग विच कंट्री के साथ हुआ है? ये हुआ है यूनाइटेड नेशन के साथ। द 10th डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव हुआ है इंडिया और यूनाइटेड नेशन के साथ। ये बायलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन है, ठीक है, वर्चुअल मीटिंग हुआ है, बस इतना ध्यान रखिएगा। डिफेंस ट्रेड टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव किसके साथ कर रहे हैं? अमेरिका के साथ कर रहे हैं, USA। अब बताएं कि विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, हैज कमेंस द प्रोडक्शन ऑफ पिनाका रॉकेट लॉन्चर। पिनाका रॉकेट यूके नहीं है गाइस, USA, ठीक है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर कौन है, किसने स्टार्ट किया है बनाना? सबका आंसर दिख रहा है मुझे गाइस, एवरीवनस आंसर आई कैन सी एंड गुड ट्राइंग टू गिव राइट आंसर्स, वेरी गुड। तो ये बताएं कि किसके साथ है ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर? पिनाका रॉकेट लॉन्चर है DRDO ने बनाया है, पिनाका रॉकेट लॉन्चर DRDO ही ना बनाएगा। तो आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट जो कि पुणे में DRDO का ही है, उसने बनाया है, ठीक। What is the name of the third generation
एंटी गाइडेड मिसाइल ATGM, एंटी गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, टैंक जहां दिखेगा ये उसको उड़ा देगा, ठीक है, मतलब टैंक दिखा तो लोग निशाना लगाए और फिर ये इसको उड़ा दिया, टैंक को उड़ा देगा, एंटी टैंक है ये, गाइडेड मिसाइल है, जो कि पोखरण में हम लोग टेस्ट किए हैं। इसका क्या नाम है? इसका नाम है नाग, नाग, ठीक है, नाग जो है वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये थर्ड जनरेशन एंटी, देखिए आप जितने भी डिफेंस वाले बच्चे हैं या इंजीनियर वाले बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि टेक्निकल क्वेश्चंस में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन है। इसका टेस्ट कहाँ गया है ये याद रखना, पोखरण में किया गया है, थार डेजर्ट पोखरण में किया है हम लोग, ताकि किसी को कुछ ना हो। और मिसाइल जो है उसने, इट विल बी प्रोड्यूस बाय कौन करेगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL डिफेंस PSU है ये, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेडक विल प्रोड्यूस द नामिका नाग मिसाइल कैरियर, मतलब इसको लेके कौन जाएगा, नामिका नाग मिसाइल, नाग मिसाइल कैरियर नामिका, और ये कौन बना रहा है, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना रहा है मेडक में, क्लियर, चलिए बढ़िया। अब बताएं, रिसेंटली इंडियन नेवी कंडक्टेड अ टेस्ट लॉन्च ऑफ एंटी शिप मिसाइल, अब ये शिप उड़ा देगा, कभी टैंक उड़ा रहे हैं कभी शिप उड़ा रहे हैं, ठीक, तो शिप जो है ASHM, ये सारे क्वेश्चंस कल मैं फिर करवाऊंगी क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दो दिन रहेगा तो सही रहेगा। तो ये कौन सा वेसल है, ये है INS प्रबल, INS प्रबल जो है इंडियन नेवी हैज लॉन्च अ टेस्ट INS जो कि एंटी शिप मिसाइल, इसको बोलते हैं एंटी स्मॉल शिप मिसाइल, ठीक है, इसका नाम है अ मिसाइल कॉर्पोरेट नेम INS प्रबल, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल INS प्रबल हैज लॉन्च, ये कहाँ हुआ है, अरेबियन सी में हुआ है, इतना बस ध्यान रखने का जरूरत नहीं, बस INS प्रबल याद रखेगा। अब बताएं व्हाट इज Pinaka MK1, Pinaka MK1 क्या है, Pinaka MK1 दैट इज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये क्या है Pinaka, बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो ये मिसाइल सिस्टम है, MK से ही समझ में आ रहा है, मिसाइल सिस्टम है ये, एन एनहांस्ड वर्जन ऑफ Pinaka MK1 मिसाइल हैज बीन लॉन्च सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड, कहाँ पे हुआ है टेस्ट फायर, इसका चांदीपुर में हुआ है जो कि ऑफ कोस्ट ऑफ ओडिशा है, ऑफ कोस्ट बोले तो क्या, जब हवा जो है इस तरफ चले तो वो ऑफ कोस्ट हो जाता है, ठीक है, हाँ देखो ऑफ और ऑन समझ लो, ऑन शोर और ऑफ शोर, अगर सी से हवा लैंड की तरफ आ रही है तो वो ऑन शोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हवा जो है वो पानी के साथ मॉइस्चर ला रही है, बारिश करेगी, और लैंड से हवा अगर सी की तरफ जा रही है तो वो ऑफ रहेगा, क्यों, क्योंकि वो ड्राई एयर है, अंडरस्टूड, तो ये समझ जाइए, छोटा छोटा चीज है, DRDO ने इसको बनाया है और सिस्टम डिप्लॉयड ऑफ द इंडियन आर्मी, कहाँ पे ये बॉर्डर में रखेंगे हम लोग, चाइना की तरफ रखेंगे, पाकिस्तान की तरफ रखेंगे और उड़ा देंगे सबको, ठीक। द मॉडल ऑफ एंटी सैटेलाइट मिसाइल विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी, मॉडल ऑफ एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है, वही वाला बात है कि द मॉडल इज अ सिंबल ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाई DRDO जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ये 2019 मतलब अभी भी आया था ये न्यूज, तो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट जिसका नाम है मिशन शक्ति, मिशन क्या है, शक्ति, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन सही लग रहे हैं ना, हाँ मिशन शक्ति, ठीक है, क्वेश्चन सही लग रहे हैं, चलिए बढ़िया। इंडिया हैज गिफ्टेड 20 फुल्ली ट्रेन्ड मिलिट्री हॉर्सेस, हम लोग घोड़ा को ट्रेन करके 20 मिलिट्री हॉर्सेस किसको दिए हैं गिफ्ट, तो ये गिफ्ट जो है वो बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश को हम लोग ऐसा ऐसा गिफ्ट देते रहते हैं, है ना, बगल में जो आंटी रहती है जैसे चीनी चाय पत्ती लेती रहती है, वैसे बांग्लादेश भी हम लोग से कुछ कुछ लेते रहता है, तो 20 फुल्ली मिलिट्री ट्रेन्ड हॉर्सेस दिए, 10 माइन डिटेक्शन डॉग दिए, कहीं पे माइन वाइन रहेगा, बम वम फटने वाला तो वो उसको बता देगा, और ठीक है वेटनरी कॉप्स ये सब ट्रेन कर देंगे उसको, बस और क्या बताएं। अब बताए कि इंडो थाई कॉर्पैट, देखो कॉर्पैट और कंट्री के साथ भी होता है, तो याद रखिएगा इंडो थाई कॉर्पैट न्यूज में रहता है, तो ये जो है कौन सा आर्म फोर्स बनाता है, ये भी मैंने बताया आप लोगों को वो वाला सेशन में, जो जेनरिक 4 बजे वाला सेशन होता है, एक्स्ट्रा सेशन 4 PM, उसमें मैंने बताया है सारा, मिलिट्री और नेवी हो गया है, एयरफोर्स का लिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है,
तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। तो ये है आपका नेवी, नेवी करता है इंडो थाई कॉम्पैक्ट जो कि इंडिया और थाईलैंड के बीच में है। कौन सा आईएनएस यूज कर रहे हैं? करमुक, करमुक को यूज कर रहे हैं। करमुक कुछ कर और मुख शांत रखे, ठीक है। करमुक इसको यूज किया जा रहा है, ये 24वां एडिशन है और मालाबार एक्सरसाइज जो है मालाबार और अरेबियन दोनों में होते रहता है। चलिए मालाबार कोस्ट का मतलब ही हो गया ना अरेबियन, कहाँ करेंगे, अरेबियन सी यहीं पे तो है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेवी वेट टॉर्पिडो? टॉर्पिडो समझ रहे आप लोग क्या होता है, जो ऐसे सी के अंदर चल जाएगा और फोड़ देगा जब एक दूसरे को, ठीक है। टॉर्पिडो फ्लैग्ड ऑफ बाय डीआरडीओ वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी। तो टॉर्पिडो जो है उसका नाम है वरुणा शास्त्र, ऐसे वरुण किसको कहते हैं, समुद्र भगवान को वरुण कहते हैं ना, वरुण धवन नहीं वरुण समुद्र भगवान को कहते हैं। तो ये जो है वरुणा शस्त्र इसका है, टॉर्पिडो हैज डिलीवर्ड बाय कौन बना रहा है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड विशाखापट्टनम यूनिट इसको बना रहा है और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैबोरेटरी ने इसको डेवलप किया है जो कि खुद विशाखापट्टनम में है। नेवी से रिलेटेड जितना चीज है विशाखापट्टनम में भी ज्यादा है, आप लोग आयन उसमें जाएंगे इंडियन नेवल फोर्सेज में तो कहाँ ट्रेनिंग लेंगे, विशाखापट्टनम में लेंगे, ठीक है। हाँ जी वॉटरिंग सोल यहाँ पे, ठीक है। अब बताए डी एस डी, तुम लोग जल्दी जल्दी आंसर दो, बोलोगे फिर मैडम टाइम दो। डी सी ओ ए एस स्ट्रैटेजी इज द न्यू पोस्ट टू बी क्रिएटेड बाय विच इंडियन आर्म फोर्स? जल्दी से बताइए इसका आंसर। ये है इंडियन आर्मी, अब इंडियन आर्मी बना रहा है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पहले तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे बिपिन रावत जी हैं, अब ये बनाएगा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रैटेजी के लिए और टू बी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है ये इसका, नया पोस्ट क्रिएट किया जाएगा बिफोर टू इयर्स, प्रपोजल जो है 2 साल पहले आ चुका है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस डीजीएमआई वुड अदरवाइज रिपोर्ट टू द वाइस चीफ ऑफ स्मार्ट ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ये नया है डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चलिए यस, which startup has launched has partnered with New Space India Limited? ये आपको पता है क्या इसरो का जो है, इसरो का जो क्या प्राइवेट विंग है अंतरिक्ष है ना, जो इंटरनेशनली मतलब कि मान लो कि आप अब एक अलग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं और आपको मन है कि आप अपना सैटेलाइट रखें, तो इसरो के पास भाई इतना टाइम नहीं है कि आप हर किसी से बात करें, तो उसके लिए इन लोगों ने एक नया सा विंग बनाया हुआ है जिसका नाम है NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने इसके साथ पार्टनरशिप किया है, ये इंडियाज प्राइवेट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करेगा, इसका नाम है पिक्सल। पिक्सल स्टार्टअप कंपनी है एक जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप करेगा। द सैटेलाइट इज टू बी लॉन्च ऑन एन इसरो PSLV रॉकेट जो इस साल अर्ली हो चुका है या होगा, ठीक है। पिक्सल ये मतलब पुराना न्यूज है तो इसलिए ये फ्यूचर टेंस में है, याद रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, रेगुलेटरी बॉडी का नाम है इन स्पेस, बढ़िया। अब बताएं कि अंडर विच प्रोजेक्ट द नेवल शिप हिमगिरी कंस्ट्रक्टेड एंड लॉन्च? हिमगिरी जो है नेवल शिप है वो किस प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्ट और लॉन्च की गई है? हाँ जी, तो प्रोजेक्ट 17A, मैं आप लोगों की कमेंट्स देख रही थी, शुभदीप है, ठीक है, शुभदीप है, ठीक है। द इंडियन नेवल शिप कॉल्ड नेम हिमगिरी हैज बीन लॉन्च एंड कमीशन इन टू द इंडियन वाटर्स रिसेंटली, ठीक है, इंडियन वाटर्स में इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है। द शिप हैज बीन रिकंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A फॉर इंडियन नेवी, इट इज द फर्स्ट ऑफ द थर्ड स्लीथ फ्रिजेट। क्या ये सब जानना जरूरी नहीं है, बाकी याद रखना हिमगिरी जो है 17A में, ठीक है। पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल हैज बीन रिसेंटली टेस्ट फायर्ड वर मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो पृथ्वी 2 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक बोले तो क्या, जो हवा में ऐसे उड़ जाएगी, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन,
तो ये कौन सा है, किसने मैन्युफैक्चर किया है? सो डीआरडीओ ही करेगा ना, हर टाइम तो डीआरडीओ ही करता है, तो डीआरडीओ ने ही किया है। अब बताएं कि द कंट्रीज फर्स्ट एडवांस हाइपरसोनिक विंड टनल, हाइपरसोनिक विंड टनल, ये समझते हो तुम लोग? हाइपरसोनिक मैक 5 के ऊपर होता है, ठीक है, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, अल्ट्रासोनिक। हाँ जी कार्तिक, क्वेश्चन को रिपीट तो करना जरूरी है ना, वरना आप लोगों को याद कैसे रहेगा? तो इसका आंसर क्या है? हैदराबाद है, हैदराबाद में है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हाइपरसोनिक विंड टनल फोर टेस्ट फैसिलिटीज करके लॉन्च किए हैं, और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में इसको डेवलप किया गया है, मतलब कि लॉन्च किया, ठीक है जी, बिल्कुल। नोएडा नहीं आंसर, नोएडा नहीं, हैदराबाद, ठीक है। बताइए द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ विच मिसाइल सिस्टम ऑफ इंडिया, हम लोग किसको बाहर भेजेंगे, किस मिसाइल सिस्टम को बाहर भेजेंगे? जी तो आकाश है, ये आकाश, इसको हम लोग बाहर भेजेंगे और एक्सपोर्ट किया जा रहा है इसको, क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। चलिए तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अफ्रीका के मैप को एक नज़र आराम से देखने वाले हैं, जो चीज़ें छूट जाएंगी आप लोग अपने घर में बैठ के देखिएगा, ठीक है। देखो अफ्रीका के नॉर्थ में कौन सा सी है, मेडिटेरियन सी है। यहाँ पे कौन सा अफ्रीका में माउंटेन है गाइज, एटलस माउंटेन है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा डेजर्ट है, सहारा डेजर्ट है। यहाँ कौन सी नदी बह रही है, नाइजर नदी बह रही है, और नाइजीरिया जो है इसका सबसे बड़ा कंट्री है इकोनॉमी के वाइज। यहाँ पे गल्फ ऑफ गिन्नी है, लिखा जाता है इसको इस तरह से ग्वेनिया करके, लेकिन पढ़ते हैं हम लोग गिन्नी, ठीक है, गल्फ ऑफ गिन्नी। और इसके बीच से आपको तो पता है यहाँ पे अफ्रीका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जाता है, इक्वेटर भी जाता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जाता है, यस। फिर यहाँ देखो कौन सा रिवर बह रहा है, बहुत बड़ा सा कॉन्गो रिवर बह रहा है और जैम्बेजी रिवर बह रहा है, ठीक है। फिर डेजर्ट कौन कौन सा है, सहारा डेजर्ट हो गया, नामीब डेजर्ट हो गया और कालाहारी डेजर्ट हो गया, ठीक है। ध्यान दो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी आ सकता है। फिर यहाँ पे रिफ्ट वैली, अच्छा रिफ्ट वैली क्या होता है, जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना कि अफ्रीका जो फट रहा है, फट के दो टुकड़ा हो जाएगा, तो इन ईस्ट एशियन, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का मतलब कि जैसे दो अगर कॉन्टिनेंटल प्लेट है या फिर कुछ भी दो प्लेट है, वो इस तरह से अगर दूर हो तो उसको कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट, दूर हो रहा है, पास आए तो कहते हैं कन्वर्जेंट प्लेट, और अगर ऊपर नीचे इस तरह से वो होने लगे तो उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म। तो मान लो कि ऐसे समझो, मान लीजिए कि ये एक माउंटेन था, ठीक है, इस तरह से, और इसमें कुछ ऐसे ऐसे दरार आ गया, ठीक है, कहीं क्रैक आ गया, और फिर उस कारण से ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा सा रिफ्ट बन जाएगा, तो वही है यहाँ पे रिफ्ट वैली, ठीक है। अब ये है लेक विक्टोरिया, दिख रहा है ना लेक विक्टोरिया, रेड कलर से कर देती हूँ, लेक विक्टोरिया से ही जाता है आपका नाइल रिवर शुरू होता है, ठीक है, रेड से कर देते हैं इसको। तो ये देखिए लेक विक्टोरिया है यहाँ पे, यहाँ से नाइल रिवर शुरू होता है, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलके बनाती है नाइल रिवर, या मेडिटेरियन सी में चली जाती है। फिर यहाँ पे है स्विस कैनाल आपका, जो कि इजिप्ट के बगल में है स्विस कैनाल, यहाँ से ही शिप इधर से ऐसे जाती है। प्रथम चार्ट इज द बिगेस्ट, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एरिया गाइस, आई एम टेलिंग अबाउट द इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। हाँ जी बिल्कुल दीक्षित जी, बिल्कुल मेरी क्लास रोज होगी, मैं वो नहीं कह रही कंट्री वाइज एरिया वाइज नहीं कह रही, मैं कह रही देखो वेस्ट अफ्रीका है ना और ईस्ट अफ्रीका है, तो ईस्ट अफ्रीका थोड़ा गरीब टाइप का, सोमालिया वगैरह लोग लुटेरे रहते हैं ना, वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया है, वो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, ठीक। हाँ तो आप देखिए लेक विक्टोरिया हो गया, लेक तांगंकिया, मेरा प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेरी गुड, मैं स्पेलिंग याद करती हूँ, तो तांगंकिया जो है, तांगंकिया जो है एक लेक है यहाँ पे, और लेक मालावी, मालावी है, मोजाम्बिक चैनल है यहाँ पे, ये जो है आपका मेडागास्कर है, जिसको इंडिया बहुत हेल्प करते रहता है, मेडागास्कर, ऐसा मेडागास्कर करके एक एनिमेटेड मूवी भी निकला था,
तो ये हम लोग कुछ अफ्रीका के बारे में देखें। अफ्रीका में यहाँ पे देखिए अरेबियन सी है, गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ से आके रेड सी आती है और स्विस कैनाल क्या करता है, रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। तो मान लो कि अगर इंडिया को अपना माल जो है यहाँ पे भेजना है, जिब्राल्टर स्ट्रेट है यहाँ पे, यहाँ पे मान लो यूरोप में भेजना है, तो पहले ऐसे केप ऑफ गुड होप से ऐसे घूम के आना पड़ता था, वास्को डी गामा भी तो ऐसे ही आए थे, लेकिन अब हम लोग उतना नहीं घूमेंगे। अरेबियन सी से मुंबई से मान लो सामान आ रहा है, अरेबियन सी से गल्फ ऑफ एडन में घुसेगा, फिर रेड सी में घुसेगा, फिर स्विस कैनाल में एकदम पतला सा ऐसे करके मेडिटेरियन में आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी स्विस कैनाल में एक शिप फंस भी गया था, उस शिप का नाम बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में, कौन सा शिप फंस गया था गाइस। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर रहे हैं कि अगस्त महीने के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, दैट डेज हम लोग एक बार एक राउंड देख लेते हैं एक नज़र। मान लो एग्जाम में अभी एग्जाम में आप लोगों का आ गया, तो 6 अगस्त फर्स्ट फ्राइडे ऑफ अगस्त जो है वो इंटरनेशनल भालू दिवस, बियर नहीं पीना नहीं है, बियर भालू, अगस्त का पहला फ्राइडे मनाते हैं इंटरनेशनल भालू दिवस, और फर्स्ट संडे ये तो तुम लोगों को पता ही हो, ज्यादा ही पता है, फ्रेंडशिप डे मनाते हैं। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे 31 जुलाई को मनाए थे, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे, पहाड़ चढ़ना शुरू कर देना 1 अगस्त को। यॉर्कशायर डे, यॉर्कशायर डे, यू वाई से मेरा कोड भी है Y332, क्या प्रचार है ना, तो Y332 इज माई कोड, यूज दैट कोड फॉर द कोर्सेज। एंड गाइस सबको टेस्ट सीरीज लेना ही, क्या एवरग्रीन है, हाँ हाँ ठीक है, मेरा क्लास आई कम एवरी डे, आई डोंट हैव एनी वर्क, मुझे बस करंट अफेयर्स पढ़ाना पसंद है, रोज 8 बजे आई कम। फर्स्ट अगस्त हो गया यॉर्कशायर डे, 4 अगस्त को कहाँ जाना है तुम लोग को, यूएस के कोस्ट गार्ड को देखने जाना है, अमेरिका जाइए कोस्ट गार्ड देखिए वहां पे ऐसे, हाँ बिल्कुल। हिरोशिमा डे, बम फोड़ा गया था पता ही आप लोग को, फैट मैन और यंग बॉय, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, तो 6 अगस्त है हिरोशिमा डे। 7 अगस्त है आपका नेशनल हैंडलूम डे, नेशनल, ये इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, हस्तकारी डे जो है, हाथ से जो लोग काम करते हैं सामान बनाते हैं वो है नेशनल हैंडलूम डे। 8 अगस्त है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी जो है वर्धा में जो कि महाराष्ट्र में है जाके चिल्लाए थे ना भारत छोड़ो, तो क्विट इंडिया यही है 8 अगस्त। नागासाकी डे होता है 9 अगस्त, वही हिरोशिमा 6 और उसका उल्टा 9, नागासाकी डे। 9 अगस्त है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल, यानी कि जो वहाँ पे इंडिजीनियस ट्राइब वगैरह है उनके बारे में 9 अगस्त। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और हम लोग कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं, क्यों, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे है उस दिन, हैप्पी बर्थडे। यस, 12 अगस्त को होता है वर्ल्ड एलिफेंट डे, हाथी भालू शेर चित्ता सब, 10 अगस्त को शेर डे होता है, ये भी याद रखो। वर्ल्ड लायन डे, 13 अगस्त इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे, अब मैं तो नहीं हूँ लेफ्ट हैंडर, आई राइट फ्रॉम राइट हैंड ओनली, बट 13 अगस्त को इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर डे, जो जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं 13 अगस्त को बर्थडे मना लीजिएगा अपना। ठीक, फिर 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, ये तो खैर बहुत ही नोबल काम है। 14 अगस्त को मनाते हैं पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, पता ही आप लोगों को, हम लोग से एक दिन पहले आज़ाद हुए थे, क्यों, क्योंकि गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड माउंटबेटन एक दिन में दो दो कंट्री में कैसे रहते हैं ऐसे बोल रहे हैं, इसलिए मतलब इसमें ना थ्योरी है, एक थ्योरी मैंने पढ़ा था कि ऐसा ना लगे पाकिस्तान को कि वो इंडिया, जैसे इंडिया मान लो कि पहले आज़ाद हो जाता और फिर पाकिस्तान उसके बाद अगर आज़ाद होता तो बोलते कि भाई इंडिया जो पाकिस्तान जो है इंडिया से तो निकला ही है, और इंडिया पहले एक कंट्री बन गया, पाकिस्तान उसे डिवाइड हो गया लोग हुआ है, तो इनका अपना थ्योरी था, बोले नहीं हम लोग का पाकिस्तान पहले बना दीजिए उसके बाद आप इंडिया बनाइएगा, अपना आज़ादी दीजिएगा, तो पाकिस्तान पहले ही निकल चुका था इंडिया के आज़ाद होने के पहले, ये बात वो पूरे दुनिया में जग जाहिर करना चाहते थे, खैर उससे क्या फ़ायदा। तो 15 अगस्त को मनाते हैं, तो ये तो हो गया आपका यौम ए आज़ादी, फिर इंटरनेशनल मॉर्निंग डे, मतलब ये रोड है ठीक है परेशान है। 15 अगस्त को हम लोग इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, खैर वी आर प्राउड ऑफ दिस। और 15 अगस्त को डे ऑफ एजम्पशन ऑफ वर्जिन मैरी भी होता है, इनका भी अपना है कहानी, ये सब पता चलेगा, ये इम्पोर्टेंट उतना है नहीं। 16 अगस्त को बेनिन गटन डे है, ये डाल दिया मैंने। इंडोनेशिया का इंडिपेंडेंस डे भी अभी 17 अगस्त को मना दिया गया,
वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, ह्यूमैनिटेरियन डे और अफगानिस्तान का इंडिपेंडेंस डे, ये सब होता है 19 अगस्त को, ठीक है। 20 अगस्त को होता है वर्ल्ड मॉस्किटो डे, मच्छर मारना है पालना नहीं है। सद्भावना दिवस, कंसोल करने एग्जाम निकल जाएगा तुम लोगों का, ठीक है, 20 अगस्त को कंसोले। इंडियन अक्षय ऊर्जा डे, अक्षय ऊर्जा यानी कि कोई ऐसा ऊर्जा जो कि कभी खत्म नहीं होगा, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन एग्जॉस्टेबल एनर्जी, ये होता है आपका 20 अगस्त को। 23 अगस्त को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन, ठीक है। हम लोग बहुत बंधुआ मजदूरी करवाएं बच्चों लोग से, तो ये 23 अगस्त को है। यूरोपियन डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ द स्टालिनिज्म एंड नाजिज्म। स्टालिन कहाँ के थे पता है ना, रशिया के थे स्टालिन। मैंने बहुत पढ़ा है स्टालिन और बोल्शेविक के बारे में या फिर लेनिन के बारे में। स्टालिन बेसिकली बहुत ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के थे, सोशलिज्म पे बिलीव करते थे। मैम वाइफ ये बताएं। और फिर नाजिज्म जो है वो जर्मनी, नाजी तो पता ही, जर्मनी, हिटलर और नाजिज्म हो गया, फिर फैसिज्म भी था, मुसोलिनी का था। तो इन लोग के कारण जिस लोग को बहुत कष्ट हुआ यूरोप में, उसके लिए हम लोग मनाते हैं 23 अगस्त को। हम लोग तो नहीं मनाते सन्नू की, ठीक है। 26 अगस्त को मनाते हैं वुमेन्स इक्वालिटी डे, ठीक। तो 26 अगस्त को अगर आप 26 अगस्त यानी कल दो चॉकलेट लाइएगा तो एक अपनी बहन को दीजिएगा, वो दूसरी बात है कि वो दूसरा भी छीन खा जाएगी, लेकिन पहले इक्वालिटी दे दीजिएगा 26 अगस्त को। 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे, 29 अगस्त आपको पता है ध्यान मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, उस दिन मनाते हैं। 30 अगस्त है आपका स्मॉल इंडस्ट्री डे, छोटे छोटे इंडस्ट्री जो है उनके लिए है। और फिर है मलेशिया का नेशनल डे, मलेशिया का नेशनल डे है 31 अगस्त। हैरी मैड्रेका, इसका नाम है हैरी मैड्रेका, ठीक है। समझ में आया क्लास, कुछ समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 21 तक हम लोग किए करंट अफेयर्स, जिसमें थोड़ा थोड़े पुराने करंट अफेयर्स भी थे जो मुझे लगा कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, सब याद करना जरूरी नहीं है, बस एक बार लिस्ट देखते जाओ, जो चमका चमका, नहीं चमका नहीं चमका, ठीक है। याद रह गया, दिमाग में बच गया तो ठीक है, नहीं समझा तो नहीं समझे, ठीक है, बात खत्म। 21 तक तो ये हो गया, 22 से लेके 40 तक मैंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस लाए हैं। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा कि मैडम टेक्निकल क्वेश्चन लाई हैं, अच्छा की हैं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, यस मैम प्लीज कंटिन्यू टेक्निकल क्वेश्चंस। और ये है आपका होमवर्क का सवाल जो कि आपको पढ़ना है, ढंग से मन में पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है ए बी सी डी, बस इतना लिखने के लिए आप लोगों का कष्ट होता है। सो प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर दो होमवर्क का, तब पता चलेगा ना कि आप लोग कुछ काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कम से कम 10-15 बच्चे तो आंसर दीजिए, आप लोग इतने सारे बच्चे हैं, है ना। लाइक कर दीजिए सेशन को, पसंद आया है तो सेशन को प्लीज लाइक कर देना, है लाइक करना भूल जाते हैं गाइस। 2 सेकंड का ब्रेक ले लो, 1 2 3 लाइक कर दीजिए सेशन को, शेयर करो अपने फ्रेंड लोगों को, बताओ कमेंट सेक्शन में गाइस आई वांट द होमवर्क क्वेश्चंस, प्लीज होमवर्क क्वेश्चन। कोई भी कोर्स यूज करना है तो Y332 कहीं से भी, बैंकिंग, SSC, डिफेंस, इंजीनियर, टीचर, कोई भी कोर्स यूज करना है Y332 कोड आप लोग को यूज करना है। कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज, आई ऑलवेज टेल यू कि टेस्ट सीरीज आपको बनाना ही है। कार्तिक राजा जी कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, चैट में नहीं, अभी क्लास खत्म होगा, कमेंट सेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल होगा, वहां पे आप बताएं आंसर, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट, टारगेट फिक्स कर लो आज की, आज क्या पढ़ना है। मैडम सुबह हो गया है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर सब्जेक्ट के, दो चैप्टर इस सब्जेक्ट के, 2 चैप्टर इस सब्जेक्ट के, टोटल 4 सब्जेक्ट हम लोग कवर कर लेंगे। 100 क्वेश्चन तो बनाएंगे ही, एक टेस्ट ले लेंगे, टेस्ट से टेस्ट दे देंगे, एक टेस्ट, 100 क्वेश्चन, 4 चैप्टर, बस और क्या चाहिए लाइफ, फिर मूड भी सही रहेगा, ठीक है। थैंक यू जोगिंदर पाल जी, कल मिलते हैं 8 बजे, बाकी तो जीके के लिए आप लोग आ जाइएगा।